हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूँ डीजे प्लस से रिलेटेड अपडेट के साथ, जो कि एक स्पीकर के बारे में है। ये आप देख सकते हैं, डीजे प्लस ने अभी एक नया स्पीकर लॉन्च किया है, जो कि 15 इंच में 800 वाट का रहने वाला है। और ये स्पीकर मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा तो इस टॉपिक में एक वीडियो बना लूँ और आपके साथ भी ये बात शेयर करूँ। तो आज के वीडियो हम जानेंगे कि ये स्पीकर कैसा है, इसका प्राइस क्या रहने वाला है, जो कि एक अप्रॉक्स प्राइस रहेगा। साथ ही साथ हमें भी जानेंगे कि इसके 4 स्पीकर या 8 स्पीकर के लिए आप कौन से एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस मैटर में। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि मैं इस टाइप का डीजे सिस्टम से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइटल रखा है, बेस के साथ साथ मिड फ्रीक्वेंसी भी जबरदस्त चाहिए, तो आप यही स्पीकर यूज़ कीजिए। क्योंकि जो भाई डीजे प्लस का स्पीकर यूज़ करते हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि डीजे प्लस के स्पीकर में मिड बेस या फिर बेस की क्वालिटी क्या होती है। तो फिलहाल हम इसके टेक्निकल ड्रेस के बारे में बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हो स्पीकर का मॉडल नंबर है 15800XB, जो कि एक 800 वाट का 15 इंच की स्पीकर है, डोर से काम करता है, 99 dB इसका सेंसिटिविटी है। और फ्रीक्वेंसी टाइप आप देख सकते हैं मिड बेस स्पीकर, और ये मिड बेस स्पीकर है तो इसमें बहुत ही अच्छा मिड भी मिलेगा और बेस भी मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा वाट का स्पीकर है। और 4 इंच का वॉइस कोयल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 4 इंच का वॉइस कोयल जरूरी है क्योंकि 800 वाट का स्पीकर है, फेरिट मैग्नेट में है। और यहीं पर आपको कहना चाहूँगा, वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारे न्यूडियम स्पीकर मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छे क्वालिटी का अगर आप न्यूडियम स्पीकर लेंगे तो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा। और अगर आप सस्ते न्यूडियम स्पीकर का यूज़ करेंगे तो उसका लाइफ अच्छा नहीं होता, ऐसा कि मार्केट में भी देखने को मिल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए फेरिट मैग्नेट का ही यूज़ करें, फेरिट मैग्नेट वाला स्पीकर ही यूज़ करें, क्योंकि अभी के टाइम पर यही चल रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर ये स्पीकर जो है फेरिट मैग्नेट में आता है। तो यहीं पर एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये स्पीकर तो अभी मार्केट में नया आया है अभी, लेकिन हो सकता है कई भाई इसे यूज़ कर भी रहे हों। तो जो भाई ये स्पीकर यूज़ कर रहे हैं और वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल इसका क्वालिटी के बारे में नीचे कमेंट करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि इसकी क्वालिटी कैसी है। और आगे मैं खुद इसका साउंड टेस्टिंग वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें जैसा रिजल्ट आएगा वैसा आपको बताऊँगा। तो ये था पूरा डिटेल इस वाले स्पीकर के बारे में। फिर से आप देख सकते हैं मॉडल नंबर है 15800XB और एक 800 वाट का स्पीकर है, तो काफ़ी अच्छा स्पीकर है। अगर आपको एक अच्छे बेस वाला टॉप बनाना है जिसमें मिड भी अच्छा हो, तो इस वाले स्पीकर को मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इस वाले स्पीकर में आपको अच्छा बेस और मिड भी बेस्ट मिलने वाला है। और जैसे कि आप इस वाले स्पीकर से अपना टॉप बनाते हैं जो कि 800+800, क्योंकि इसमें स्पीकर जो है 800+800 वाट का है, इसलिए इसके लिए आपको एक बड़ा एचएफ भी यूज़ करना होगा। और यहाँ पे एचएफ कम से कम आपका 100 वाट का होना ही चाहिए, 100 वाट से नीचे का एचएफ आप मत डालिए, क्योंकि स्पीकर ज़्यादा वाट के हैं। यहाँ पे आप 100 वाट या फिर उससे ज़्यादा वाट का भी एचएफ का यूज़ कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस टाइप के अगर आप दो टॉप चलाते हैं तो इसके लिए आपको कितने वाट का एम्पलीफायर यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको 4500 से लेकर के 5000 वाट के एम्पलीफायर का यूज़ करना होगा, जिसमें पर चैनल एक टॉप ही चलेगा लेकिन बेस्ट चलेगा। और अगर आप इस वाले स्पीकर से बने 4 टॉप चलाना चाहते हैं, वो भी एक ही एम्पलीफायर में, तो इस टाइप के अगर 8 स्पीकर को एक ही एम्पलीफायर पर चलाना है तो एम्पलीफायर को भी पावरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा वाट के स्पीकर है, इसलिए आपको मैं 2 ओम्स पे रिकमेंड नहीं करता, 2 ओम्स पे ना चलाएं। लेकिन फिर भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो एम्पलीफायर को बहुत ही पावरफुल होना ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा वाट का एम्पलीफायर होना चाहिए, मतलब एम्पलीफायर में हेडरूम बचना चाहिए। अगर आप इस टाइप के 8 स्पीकर चलाते हैं तो तभी एम्पलीफायर अच्छे से चला पाएगा और वहाँ पर कोई दिक्कत होगा नहीं। 2 ओम्स पे एम्पलीफायर को काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, और इस टाइप के 8 स्पीकर चलाना मतलब एम्पलीफायर के जान पर बनाएगी अगर आप इस टाइप का 8 स्पीकर चलाएंगे तो। लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ ऐसे एम्पलीफायर मिलते हैं जो आपको आसानी से अपने एरिया में मिल जाएंगे, तो मैं आपको कुछ ऐसे एम्पलीफायर बता देता हूँ जिसमें आप ये 4 टॉप एक ही एम्पलीफायर पर चला सकते हैं 2 ओम्स पे भी। और आपको ऐसे भी एम्पलीफायर बताऊँगा जिसमें आप ये वाले 8 स्पीकर 4 ओम्स पे भी चला सकते हो। तो सबसे पहला एम्पलीफायर है हमारा आहूजा का LX-A 7600, जो कि 7600 वाट का एम्पलीफायर है और 2 ओम्स पे देता है 3800 वाट पर चैनल, तो आप इसमें आराम से 8 स्पीकर चला सकते हैं। हालांकि ये एम्पलीफायर 2 ओम्स पे रिकमेंड नहीं है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे हेडरूम बच रहा है एम्पलीफायर में, इसलिए आप इस टाइप का चला सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप ऐसे एम्पलीफायर में चला रहे हैं जो 2 ओम्स पे रिकमेंड नहीं है, तो उसको आप 3 से 4 घंटे ही चलाइए, उससे ज़्यादा मत चलाइए। वो भी एम्पलीफायर में हेडरूम बच रहा है तब की बात है, तब आप चला सकते हो 3 से 4 घंटे के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे एम्पलीफायर रिकमेंड कर रहा हूँ, 3 से 4 घंटे के लिए आप इस टाइप के 8 स्पीकर इसमें चला सकते हो पर्सनल 4 स्पीकर।
लेकिन अगर आपको परमानेंट चलाना है तो आप कोई दूसरा एम्पलीफायर में जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दूसरा एम्पलीफायर आपको बताना चाहूँगा जो कि स्टूडियो मेन का या फिर आप कह सकते हैं कि डीजे प्लस का ही एम्पलीफायर है, HDA 8000, जो कि 2 ओम्स पे फुल रिकमेंडेड है और आप इसे लॉन्ग टाइम तक भी चला सकते हो, 3 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जैसा आपका मन करे। और इस टाइप के 8 स्पीकर आप इसमें बिंदास चलाइए, 4 स्पीकर पर चैनल 800 वाट के, नो प्रॉब्लम, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी अच्छे से आउटपुट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 ओम्स पे एम्पलीफायर देता है हमें 4400 वाट पर चैनल। इसलिए बेस्ट यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ इस वाले एम्पलीफायर को 8 स्पीकर चलाने के लिए जो कि 800 वाट के रहेंगे, तो आप ये एम्पलीफायर ले सकते हैं। अब ये तो हुआ 2 ओम्स पे चलाने वाली बात, और भी एम्पलीफायर हैं ऐसे जो कि 2 ओम्स पे चलाने में सक्षम है लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, इसलिए मैं और एम्पलीफायर आपको नहीं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सबसे सेफ जो कि 4 ओम्स होता है, तो 4 ओम्स पे चलाने के लिए यहाँ पे एक एम्पलीफायर है आपका Beta 3 का TT4004 जो कि एक 4 चैनल का एम्पलीफायर है और इसका आउटपुट है 4 ओम्स पे 1500 वाट। तो आप इसमें पर चैनल 2 स्पीकर चलाइए तो इसमें आराम से आप 8 स्पीकर चला सकते हैं जो कि आराम से चल जाएगा, बिंदास चलाइए आप, ऐसा चल सकता है इस वाले एम्पलीफायर में। नहीं तो आप ये एम्पलीफायर भी ले सकते हैं जो कि DT6004 हर चैनल के एम्पलीफायर है लेकिन इसमें थोड़ा सा आउटपुट ज़्यादा है, 2000 वाट पर चैनल 8 4 ओम। तो आप इसमें आराम से 800 वाट के 8 स्पीकर चला सकते हैं पर चैनल 2 स्पीकर, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे कंटिन्यूसली चला सकते हो, अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों ये था इस स्पीकर के बारे में पूरी जानकारी जिसमें मैंने आपको इस स्पीकर के बारे में बताया, साथ ही साथ इसके लिए बेस्ट एम्पलीफायर कौन से रहेंगे उसके बारे में बताया। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में कि इसका प्राइस क्या रहेगा। तो अभी मार्केट में न्यू है क्योंकि नया स्पीकर है और मार्केट में इसे उपलब्ध होने में थोड़ा सा लेट लगता है, जैसा कि आप जानते हैं एक तो लॉकडाउन है ऊपर से। तो यहाँ पे ये स्पीकर आपको 8500 से लेकर के 9000 के बीच में मिल जाएगा मार्केट में, डीजे प्लस के डीलर से ही लेना ताकि आपको सही प्राइस मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना, और हाँ फिर से रिपीट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते जाना क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया। चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो लाते रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।